चलो चलें दर्शन को कैंची धाम, बाबा नीम करौली के धाम, जहां बाबा जी ने तपस्या करी है, उस अनमोल रस को आप भी प्राप्त करो, उस भव्य माहौल को आप भी जियो। चलो चलो कैंची धाम, जय हो बाबा नीम करौली, उत्तराखंड कैंची धाम, जय बाबा नीम करौली। दोस्तों साथियों, आज हम बहुत ही भव्य मंदिर पे हैं, बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने आए हैं कैंची धाम में, उत्तराखंड में। और ये मंदिर नीम करौली बाबा जी के नाम पे प्रसिद्ध है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं हर्ष, हम दोनों दिल्ली से यहाँ पे आए हैं। और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही वो भव्य स्थान है जहाँ पे नीम करौली बाबा जी ने तपस्या करी थी और उनके तप का प्रभाव पूरे जगत में फैला है। आप सही जा रहा है, और जितना लोगों के भीतर उनके बारे में जानकारी मिल रही है, लोग पूरे विश्व से और पूरे भारत से भ्रमण करते हुए यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। इस पवित्र मंदिर में आप भी ज़रूर आएँ, पधारें और यहाँ पे भव्य इस मंदिर पे दर्शन प्राप्त करें। अगर आपको आपका अलग ही अनुभव मिलेगा आपको जी, प्रकृति से लेकर और परमात्मा से लेकर आपको विश्वास होगा और आपके मन की शांति मिलेगी यहाँ पे आने पर। और आपको जरूर आना चाहिए यहाँ पर। अगर कोई भी चीज़ आपकी अपनी मान्यता है, किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो एक बड़ी जरूर आइए बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने कैंची धाम, नैनीताल से 6 किलोमीटर आगे। मन में अगर आपकी श्रद्धा है तो आप वो चीज़ प्राप्त करके जाएंगे जो शायद आप आपको मांगे ना मिले। नेविगेशन लोग लोकेशन तो नेविगेशन भी दिखाता है, लेकिन जो बाकी चीज़ होता है ना, जो अपने साथ अचीव करोगे, प्राप्त करोगे, वो आपके खुद ही आपको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं अतु की कृपा, यानी वो कृपा जो परमात्मा से, गुरु से, सिद्ध से, अरिहंत से बिना मांगे मिल जाती है। केवल श्रद्धा भाव में वह चीज़ होनी चाहिए और आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, अगर आपकी भीतर वो श्रद्धा है तो आप ज़रूर यहाँ पे नीम करौली बाबा के यहाँ दर्शन करें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा बिना मांगे। जय हो बाबा नीम करौली, जय कैंची धाम, जय हिंद, जय भारत।